नमस्कार दोस्तों, गोर स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 17 और 18 अगस्त 2022 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप वेबसाइट से भी इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। दोनों माध्यम से जिससे आप चाहें इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में चर्चा में रहा कारम बांध किस जिले में स्थित है? हमारे ऑप्शन है होशंगाबाद, खरगोन, सीहोर या मुरैना। इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर दें। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने 12वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया है? हमारे ऑप्शन है श्री शिवराज सिंह चौहान, श्री मांगू भाई पटेल, श्री ओम प्रकाश सकलेचा या डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। तो इसका जो सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर सी, श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने 12वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया है। और जो 12वां राष्ट्रीय फिल्म विज्ञान महोत्सव है यह भोपाल में 22 से 26 अगस्त तक रविंद्र भवन में आयोजित किया जाएगा। इसका संचालन किनके द्वारा किया जा रहा है? तो यह होगा मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल और विज्ञान प्रसार नई दिल्ली के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। उज्जैन को साइंस सिटी बनाया जाएगा और उज्जैन में तारामंडल की स्थापना भी की जा रही है और 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह हमारा अगला प्रश्न है, किस जिले की सुश्री कल्पना गुर्जर ने 7वीं विश्व ब्रिज स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो हमारे ऑप्शन है खरगोन, गुना, बड़वानी या सीधी। तो जो सही उत्तर है यह ऑप्शन नंबर ए, खरगोन की। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की रायबिड़पुरा गांव की निवासी सुश्री कल्पना गुर्जर को इटली में आयोजित हुए 7वीं विश्व ब्रिज स्पर्धा अंडर 23 महिला वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण विभाग मंत्री कौन है? यह है श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी। हमारा अगला प्रश्न है, किस जिले की भावना डेहरिया ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रुस पर तिरंगा फहराया है? तो हमारे ऑप्शन है सीहोर, छिंदवाड़ा, भोपाल या इंदौर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के तामिया की रहने वाली भावना डेहरिया ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रुस पर तिरंगा फहराया है। इनकी उम्र कितनी है? तो इनकी उम्र है 30 वर्ष। और जो माउंट एलब्रुस पर्वत है यह रूस और जॉर्जिया सीमा पर 5642 मीटर ऊंचा पर्वत है। भावना डहरिया है, इन्होंने 22 मई 2019 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो माउंट एवरेस्ट, इसे भी फतेह किया है। और माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भावना डहरिया मध्य प्रदेश की दूसरी महिला है। पहली महिला है मेघा परमार। ये कहीं कहीं पर दिया जाता है कि भावना डहरिया पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, लेकिन ये दूसरी है, पहली है मेघा परमार और इनका संबंध है सीहोर जिले से। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना लागू करने का निर्णय लिया है? हमारा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या गुजरात। तो ये निर्णय लिया है हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस पर मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आवास योजना लागू की जाएगी। और जो ये योजना होगी, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इससे अलग रहेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 2015 में। और मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री कौन है? ये है ओपी भदौरिया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में 22,000 स्क्वायर फीट लंबाई का तिरंगा फहराया गया है? हमारे ऑप्शन है इंदौर, रतलाम, राजगढ़ या खरगोन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रतलाम में। हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 अगस्त को, 15 अगस्त नहीं है, इससे पहले ही फहरा दिया गया था, 13 अगस्त 2022 को रतलाम शहर में 22,000 स्क्वायर फीट लंबाई का तिरंगा झंडा कालिका माता मंदिर परिसर में स्थित जाली तालाब के पूर्ण गोलाई यानी के जो तालाब है उसके चारों ओर फहराया गया है। और हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी। अब हम करेंगे 16 अगस्त 2022 के
मध्य प्रदेश करंट अफेयर का रिवीजन। हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पहली बार इंटरनेशनल एरो स्पोर्ट्स टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में। रूफटॉप सोलर एनर्जी के मामले में प्रदेश का कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो इसमें है भोपाल शहर पहले स्थान पर। हाल ही में किसने ग्वालियर में रेलवे हॉकी स्टेडियम के नवनिर्माण कार्य और एस्ट्रो टर्फ का शुभारंभ किया है? तो ये किया है केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। प्रदेश का पहला फ्लावर बैंक किस जिले में बनेगा? तो ये बनेगा भोपाल स्थित करोल मंडी में। हाल ही में इंटरनेशनल केनो सलालम चैंपियनशिप में किस जिले की शिखा चौहान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है भोपाल जिले की है शिखा चौहान। और ये हमारे कल के वीडियो का प्रश्न है, इसका उत्तर जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में भगवान शिव का एकमात्र शैलचित्र किस गुफा में स्थित है? इसका जो सही उत्तर है यह ऑप्शन नंबर ए, भीमबेटका की गुफा में। तो ये था हमारा आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।